बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम जो प्रोग्राम करेंगे वो है जी एंटर थ्री नंबर एंड फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। व्यूअर्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम किए थे, हमने एक प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम नंबर को तलाश किया था और एक में हमने मिनिमम नंबर को तलाश किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक ही प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम नंबर को भी तलाश करेंगे और मिनिमम नंबर को भी जो है ना वो तलाश करेंगे। तो आइए, मैं पाईचार्म का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे तीन नंबर जो है ना, एन वन के नाम से एक नंबर ले लिया जी, यहाँ पे आ जी इंट, उसके बाद यहाँ पे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको व्यूअर्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका टाइम की बचत हो जाए। और ये लीजिए, यहाँ पे एन टू आ जाएगा और यहाँ पे एन थ्री आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे आप लिख देते हैं सेकंड और यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। ये लें जी, तीन नंबर आप इनपुट कर देते हैं, फाइव है, थ्री है एंड सेवन है। ओके, अब व्यूअर्स हम क्या करते हैं, दो हमने यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, एक मिन के नाम से, मिन इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं जी एन वन। सबसे पहले हम मिनिमम नंबर को तलाश करते हैं। हम कहते हैं जी इफ क्या है जी, अगर एन टू क्या है जी छोटा है किससे, मैक्स से, तो क्या करो मिन से, मिनिमम से, तो क्या करो मिनिमम नंबर के अंदर एन टू की वैल्यू को स्टोर कर दो। नहीं तो इफ़ क्या है जी एन थ्री की वैल्यू अगर छोटी है किससे, मिनिमम से, तो क्या करो मिनिमम के अंदर स्टोर कर दो एन थ्री की वैल्यू। ठीक हो गया। इसी तरह व्यूअर्स हम करते हैं जी कि हमारे पास जो आ रहा है कि इफ़ क्या है जी, इफ़ क्या करो जी एन टू अगर बड़ा है किससे, मैक्स से, तो क्या करो मैक्स के अंदर एन टू की वैल्यू को स्टोर करवा दो। नहीं तो फिर क्या आती जी इफ़ एन थ्री अगर बड़ा है किससे, मैक्स से, तो क्या करो मैक्स इज इक्वल टू एन थ्री आ जाएगा। अच्छा जी, पहले इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा मिन कॉमा इज स्मॉल नंबर, उसके बाद प्रिंट मैक्स इज लार्ज नंबर। ओके जी, लार्ज नंबर, पहले इसको रन कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर सिक्स है जी, सेवन है जी, उसके बाद फोर है। ये ले जी, क्या कह दिया उसने, सिक्स इज स्मॉल नंबर एंड सेवन इज लार्ज नंबर, तो ये तो उलट हो रहा है। उलट कहाँ पे हो रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मसला आ रहा है जी, एन थ्री को लेस देन ही करना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये लें जी, थ्री इज स्मॉल नंबर एंड सिक्स इज लार्ज नंबर। आ जाए जी तीनों नंबर, क्या है जी फाइव, उसके बाद क्या है जी सिक्स, उसके बाद क्या है जी थ्री। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने जो मैक्स है मिनिमम है उसके अंदर भी हमने फाइव को स्टोर करा दिया है। और जो हमारे पास है मैक्स है उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, फाइव स्टोर कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कर दिया, एन वन की वैल्यू कितनी फाइव थी, फाइव ही मिनिमम है, फाइव ही मैक्सिमम है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एन टू हमने कह दिया अगर एन टू, एन टू की वैल्यू कितनी है जी सिक्स है, अगर छोटी है किससे फाइव से, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये क्या करे एन टू को मिनिमम डाल दे, जबकि ये कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा बल्कि यहाँ पे मूव कर जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे कंडीशन है जी एन थ्री, एन थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री है, थ्री छोटा है किससे, फाइव से। अगर थ्री छोटा है, फाइव से छोटा है, तो कंडीशन इज इक्वल ट्रू, तो क्या करेगा, थ्री को किसमें स्टोर कर देगा, मिनिमम में। तो यहाँ पे आपके मिनिमम वैल्यू तो उसने सर्च कर लिया। उसके बाद हमने फिर कह दिया जी एन टू अगर बड़ा है मैक्सिमम से, तो एन टू हमारे पास क्या था जी, सिक्स है, सिक्स बड़ा है अगर फाइव से, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या करेगा, सिक्स को उठा के किसमें डाल देगा, मैक्सिमम डाल देगा। फिर अगले वाली कंडीशन में क्या है जी एन थ्री, एन थ्री में क्या है जी, थ्री है, थ्री बड़ा है किससे अगर सिक्स से, तो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो ये क्या करेगा, मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब हमारे पास जो मैक्स वाली वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे सिक्स है, और जो मिनिमम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, थ्री है। तो ये क्या करेगा, मिनिमम को एज ए थ्री प्रिंट कर देगा और मैक्सिमम को एज ए यहाँ पे सिक्स को शो करा देगा। अब जैसे आप इसको रन करते हैं व्यूअर्स, जो भी तीन वैल्यू देंगे वो आपको फ़ौरन से बता देगा इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। ये देखें फोर इसने कह दिया जी छोटी वैल्यू है, और जो आपका है एट जो है ना उसने कह दिया है कि वो लार्ज वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।